सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह तेजस्विना तमस्तु मा आम व्रताना आम व्रत पते व्रतं व्रताना चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यता यदमहमनृतासत्यमुपैमे शांति 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 समुद्र मंथन चल रहा था पिछली कक्षा में और जब उसको देवता और असुर उसका मंथन कर रहे हैं मंद्राचल को मथनी बना करके और वर्षों ऐसे मंथन करने पर जो रस्सी बनाया था जिन सर्प को वासुकी को उसको मंद्राचल जो पर्वत है उसके रगड़ लग लग के उसको विष निकलने लगा पुरुषार्थ करना पड़ता है तो मनुष्य को पसीना आता है अब इनको पसीना तो आता नहीं है सर्प आदि को तो वो क्या कर रहे हैं जैसे कुत्ते को भी पसीना नहीं आता है तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो कुत्ता जीभ को बाहर निकाल के हाफने लगता है ज्यादा गर्मी होती है तो तो उसकी जीव ही निकलता है। तो इसी प्रकार इनको भी जब थकान हुई तो इनके शरीर से पसीना नहीं आता है वासुकी की तो ये अपने मुख से विष उगल रहे हैं और वो विष जो है वो शिला के ऊपर गिर करके और फिर बाहर आने लगा वो ओवरफ्लो होने लगा तो फैलने लगा पृथ्वी के ऊपर तो उसको देख करके सब लोग घबराने लगे उत्पात तो अग्नि संकाशम हलाहल महाविषम अग्नि के समान जला देने वाला जो हाला महाविष्य है विष भी कई प्रकार के होते हैं स्लो पॉइजन होता है कुछ बहुत ही स्ट्रोंग पॉइजन होता है तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रोंग है उसका नाम है हाला हल विश तो वो निकला वो अग्नि के समान होता है स्पर्श मात्र से भी जला देने वाला तेन उससे सर्वम जगत दग्धम सारा जगत उससे जलने लगा संसार को जलाना प्रारंभ कर दिया देव असुर मानुषम देव सहित असुरों सहित मनुष्यों सहित देवों को भी जलाने लगा असुरों को भी मनुष्यों को भी तो अभिप्राय क्या है कि अमृत मंथन के लिए जो भी प्रयास करेगा चाहे कोई देव पुरुष है अमृत मंथन मतलब मोक्ष के लिए अष्टांग योग का पालन करने के लिए तो चाहे देव उसके पालन के लिए प्रयास करें या असुर करें चाहे मनुष्य करें तो सभी के लिए वो प्रारंभ में कष्टदायी होता है अमृत मंथन के लिए जब पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हमेशा ही वो सबके लिए ही कष्टदायी होता है उसके बाद तो फिर अभ्यास हो जाता है और जो संसार का मार्ग है वो सुखदायी होता है प्रारंभ में और बाद में उसका परिणाम दुखदायी होता है यहाँ उल्टा होता है इसका प्रारंभ होता है विष पान करने जैसा जैसे हलाहल विश पी रहे हैं इतना कठोर होता है वो क्योंकि पुराने जो संस्कार हैं वो बार बार उधर लेकर के जाते हैं नए संस्कार बनाने हैं तो मन को आदत नहीं है उस तरह का जीवन जीने की तो इसलिए बहुत उसमें ताकत लगानी पड़ती है जब आप सोचेंगे कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें आप किसी को भी किसी की हिंसा ना करें तो इतने सारे प्रसंग आएंगे कि आपको लगेगा कि मतलब किस तरह से चुप रहा जाए किस तरह से इस व्यक्ति के साथ कैसे सुलझा जा जाए मतलब वो आपको इतना ज्यादा बाधित करने की कोशिश करेंगे और हमारे जो संस्कार हैं वो हमें कहेंगे कि ये व्यक्ति तो दोषी है तो इसको हमें सुना देना चाहिए और जो योग करने का अभ्यास हमने प्रारंभ किया है वो संस्कार कहेंगे कि नहीं अभी इसके साथ उलझेंगे तो फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे जहां से हमने प्रारंभ किया हमने प्रारंभ यहीं से ही तो किया था कि इनके साथ नहीं उलझना है तो ये बड़ी दिक्कत आती है तो ये विषपान करने जैसा होता है तो व्यक्ति को अपनी वाणी को मौन रखना पड़ता है कि भाई ये कुछ भी कहे बोलना है ही नहीं फिर व्यक्ति बोलता तो नहीं है अपने हाथ पैरों को रोकना पड़ता है मन करता है कि इसकी पिटाई कर दे और फिर रोकना पड़ता है कि नहीं पिटाई करना तो हिंसा हो जाएगी बोलते भी नहीं है पिटाई भी नहीं करते हैं फिर मन मन में परेशान होते हैं उसको लेकर के ये कैसा मतलब मैंने प्रारंभ कर दिया ये योगाभ्यास और ये कौन सा योगाभ्यास हुआ मैं मन मन में दुखी हो रहा हूं इससे अच्छा तो मैं उसी स्तर पे उतर ही आऊ ऐसे मन से हेतु आता है बार बार तो फिर मन को भी रोकना तो फिर ये क्या हो जाता है विश्वान करने जैसा हो जाता है तो साधक को विष के घूट नहीं पीने पड़ते विष के घड़े के घड़े पीने पड़ते हैं साधक को बहुत विष पीना पड़ता है तब कहीं जाकर के अमृत की प्राप्ति होती है तो ये विष निकला और उससे सब लोग दग्ध होने लगे देवता भी असुर भी मनुष्य भी अथ देवा महादेव शंकर शरणार्थिन जगमो पशुपति रुद्रम त्राही त्राही तुष्टुभु एवं मुक्तस्तो देवर्देवेश्वर प्रभो प्रादुरासीत्ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः देवतैरमथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ शुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो तो पीछे का कोई प्रश्न तो नहीं था किसी का इसलिए पाठ का चलो ना आगे तो फिर क्या हुआ अथ देवा शंकरम महादेवम शरणार्थी न तो जब कोई आफत आती है तो व्यक्ति किधर भागता है जब चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेती हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता है तब कहा जाता है तब मंदिर जाता है मस्जिद गुरुद्वारे तब भगवान की तरफ भागता है वो तो यहां पर देवों ने असुरों ने और मनुष्यों ने भी वही किया अथ देवा महादेवम शंकरम शरणार्थी उनकी शरण लेते हुए उनकी तरफ दौड़े जगमो पशुपतिम रुद्रम पशुपति रुद्र की तरफ गई त्राही त्राही इतिष्टुबु तो उनकी स्तुति करने लगे और उनसे कहने लगे त्राही त्राही हमारी रक्षा कीजिए आप हमारी रक्षा कीजिए आप हमारी रक्षा कीजिए तो जब हमें कष्ट आता है तो हम कोई भी अपने गुरु अपने माता पिता कोई अपना मित्र जिसको हम ये समझते हैं कि उसकी शरण में जाने से वो हमारे कष्ट को समाप्त कर देगा तो ऐसा सोच करके हम उन्हीं की शरण लेते हैं तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि जब हमें शरण ही लेनी है तो कोई ऐसी शरण लेनी चाहिए जहां सचमुच हमारे कष्ट का दुख का नाश हो जाए कई बार व्यक्ति क्या करता है जैसे आपको कोई केस या कोई मुकदमा आपको जीतना है कोर्ट में तो आप किसके पास जाएंगे वकील के पास जाएंगे ना उस समय आप तो उस समय माता पिता के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो योग्यता किस में है वकील में है वो आपके केस को सुलझा सकता है आपको कोई अपना मकान बनाना है तब आप वकील के पास नहीं जाएंगे तब आप किसी मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाएंगे तो हमें जो प्रयोजन सिद्ध करना है तो उसको सिद्ध करने के लिए उसमें जो सहायता करने वाला व्यक्ति है उसमें उस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए उसके पास जाना चाहिए मकान बनाना है और एडवोकेट के पास जा रहे हैं तो आप समझदार व्यक्ति नहीं केस लड़ना है और आप अपने किसी मित्र के पास जा रहे हैं जो कि वकील नहीं है तो आप समझदार व्यक्ति नहीं है तो इसी प्रकार से हमें उस और वकील में भी उसके पास मानो आप खुद ही वकील हो तो फिर उस वकील के पास जो आपसे बुद्धि में कई गुना ज्यादा और जिसने कई केस जीत चुके हैं उसके पास जाते हैं तो हमें जब दिक्कत आती है हम बहुत लोगों को सॉल्यूशन दे देते हैं जब वो समस्या में फंसते हैं तब और जब हम खुद फंसते हैं तब तब हम उनके पास जाएं जो हमारे से भी ज्यादा शक्ति रखते हैं ज्ञान रखते हैं साधना रखते हैं जो हमारे से भी ज्यादा पावरफुल है और अगर किसी को ऐसा व्यक्ति नहीं मिले कहीं उसको ना नजर आई तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान है फिर उसकी शरण में जाना चाहिए तो आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है तो गुरु जरूर बनाना चाहिए फिर लोग गुरु की खोज में जाते हैं कि वो गुरु मिलेगा कहाँ गुरु के बिना सदगति नहीं होती है तो गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति है नहीं माने गुरु सबको जन्मजात ही मिला हुआ है जन्म से ही मिलता है गुरु कोई भी व्यक्ति गुरु से रहित नहीं है गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है जैसे ही आपका अस्तित्व इस संसार में आया उससे पहले गुरु उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी माँ को जानने लगे तो माँ तो सबसे पहला गुरु है तो गुरु तो वही है ना जो हमें चलना सिखाए समस्याओं से राहत दिलाए कुछ ज्ञान की प्राप्ति करवाए तो आज तक जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान है वो किसी ना किसी ने दिया है ना हमें तो सब हमारे गुरु हैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको गुरु की प्राप्ति ना हो सबको गुरु की प्राप्ति है ही है और फिर जैसे जैसे जिसकी योग्यता पात्रता बनती जाती है वैसा वैसा गुरु उसको मिलता जाता है सबसे पहले बच्चे को बोलना नहीं आता है वो अपनी समस्या को कैसे अभिव्यक्त करे तो उसको एक माँ गुरु मिली जो उसको शब्द जान देती है हिंदी बोलने वाले वालों को हिंदी का अंग्रेजी बोलने वाले को अंग्रेजी बोल सिखाने वाली माँ कन्नड़ बोलने वालों को कन्नड़ सिखाने वाली माँ तो जिसको जैसी भाषा की जरूरत है जो जिस समाज में रहता है तो सबसे पहले व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है तभी तो वो कुछ अपने व्यवहार करने के लिए कुछ मांगेगा कुछ अपने तकलीफ बताएगा भूख प्यास बताएगा तो सबसे पहले भाषा चाहिए उसको व्यवहार करने के लिए तो इसके लिए गुरु पहले ही तैयार है तो हर माँ सिखाती है अपने बच्चे को फिर उससे भी ज्यादा चाहिए तो स्कूल तैयार है पहले से ही बच्चे ने तो बनवा ही नहीं स्कूल टीचर भी बच्चे ने नहीं बनाए वो भी पहले से ही तैयार है जैसी जैसी पात्रता है अब मानो कोई बच्चा जैसे ही बोलना सीखा और वो गीता के श्लोक बोलने लगता है ऐसे होते हैं कुछ बच्चे वो गीता के श्लोक बोलते हैं वेद के मंत्र बोलते हैं तो अब उसकी पात्रता जैसी है उस बच्चे की तो कुछ लोग कहेंगे भाई इसको गुरुकुल में ले जाओ ये गुरुकुल के काम का है इतिहास की, बात की बातें करे तो लोग कहेंगे इसको वहां लेके जाओ तो जैसी जैसी हमारी पात्रता होती है वैसे वैसे गुरु हमें मिलते चले जाते हैं और सब गुरुओं से बड़ा परम गुरु जो हमारे आंतरिक दुखों का नाश कर सकता है तो वो भी जब योग्यता हमारे अंदर आने लगती है तो वो गुरु हमारे अंदर ही है फिर बाहर भी है बाहर की चीजों से भी व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षा ले सकता है और अपनी अंत प्रेरणाओं से भी आध्यात्मिक शिक्षा ले सकता है लेकिन किसी स्थान विशेष पे और किसी व्यक्ति विशेष को आप खोजने जाओगे तो आप चूक जाओगे क्योंकि आपको क्या पता कि गुरु में क्या पात्रता होनी चाहिए ऐसे बोल तो देते हैं व्यक्ति कि भाई गुरु कैसे करना चाहिए गुरु बहुत परीक्षा करने के बाद किसी को गुरु बनाना चाहिए लेकिन आप परीक्षा लोगे कैसे जो बच्चा प्राइमरी में है स्कूल गया है आज ही वो अपने गुरु की परीक्षा लेगा कैसे बच्चे का ज्ञान उस प्राइमरी टीचर से ज्यादा है कि कम है ज्यादा कौन बता रहा है बच्चे का टीचर से ज्ञान ज्यादा है कि कम है तो कम ज्ञान वाला ज्यादा ज्ञान वाले की परीक्षा कैसे लेगा बच्चा कैसे परीक्षा लेगा कि ये टीचर मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं है बच्चा तो इतना तो कह सकता है कि इनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है ये ठीक से पढ़ाते इतना तो वो बोल देगा लेकिन उस टीचर के अंदर क्या योग्यता है क्या पात्रता है कैसे संस्कार हैं इसकी बच्चा कैसे परीक्षा लेगा और यदि परीक्षा ले सकता है तो फिर वो शिष्य नहीं हो सकता है फिर तो वो उस गुरु का गुरु बन गया तो आप यूं कहो कि जी हम पहले गुरु की परीक्षा लेकर के फिर गुरु बनाएंगे तो आप गुरु की परीक्षा ले सकते नहीं है क्योंकि जो वास्तव में गुरु है उसकी नॉलेज को आप पहचानोगे कैसे आप वाली नॉलेज तो बहुत छोटी है आपको क्या पता कि आध्यात्मिकता के लिए कौन सी नॉलेज होनी चाहिए कौन से गुण होने चाहिए आपने तो अभी पहला कदम रखा है और यदि आप अपने उस नॉलेज के बेस के ऊपर मापने लगोगे तो निश्चित रूप से आप गलत ही निर्णय पे पहुंचोगे कोई नर्सरी का बच्चा अपने प्राइमरी टीचर की परीक्षा लेना चाहे तो वो गलत ही नतीजे पे पहुंचेगा क्योंकि उसको तो पता भी नहीं है कि कैसे परीक्षा लेनी चाहिए तो गुरु की परीक्षा नहीं ली जा सकती है और यदि परीक्षा आप ले सकते हैं तो फिर फिर आप शिष्य नहीं है फिर तो आप उस गुरु से बड़े हो गए गुरु के गुरु हो गए आप तो, तो गुरु तो सहज मिलते हैं आपने कोई परीक्षा लेकर के कि किसी को मां थोड़ी बनाया था कि किसको मां बनाना है पहले परीक्षा कर लेता हूँ मेरी माँ बनाने के योग्य ये है कि नहीं है महिला ऐसे नहीं है माँ तो सहज मिलती है जैसी आपकी पात्रता थी वैसी मिल गई जैसी पात्रता थी वैसे गुरु मिल गई ऐसे ही आपके अंतःकरण की जैसी पात्रता है वैसे वैसे गुरु आपको मिलते जाएंगे तो बढ़ाना पात्रता को है गुरु को नहीं ढूंढना पात्रता को ढूंढना है अंदर तो कुछ ऐसे भटकते रहते हैं बोल जी यहाँ तो विद्वान तो बना देंगे पर यहाँ हम योगी नहीं बनेंगे तो योगी के लिए हम कहीं और स्थान ढूंढते हैं स्थान कभी किसी को योगी नहीं बनाएंगे आप अपने अंदर उस पात्रता को पैदा करें क्योंकि आप किसी योगी के पास जाएंगे तो वो भी क्या सिखाएंगे वो यही सिखाएंगे कैसे कि व्यवहार किया करें प्रतिकूल परिस्थिति में भी समता का अभ्यास किया करें जो आपके मन को अनुकूल नहीं लगता है उसको भी सहज होकर के कैसे आप ले सकते हैं और कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं और उस स्थिति में भी कैसे आपकी दृष्टि अपने लक्ष्य पे ही लगी रहे तब आप आध्यात्मिक प्रसाद पाने के पात्र बन सकते हैं भक्त प्रहलाद कहीं भी नहीं गई उनके पिताजी रोज अत्याचार ढाया करते उसके ऊपर और वो वहीं पर ही अपने समत्वम उच्च थे समता में रहते थे मीरा कहीं नहीं गई जब तक उसकी साधना नहीं हुई उसके घर परिवार वाले ससुराल वाले रोज अत्याचार किया करते थे और वो वहीं पर ही अपने मस्त रहती थी किसी की परवाह नहीं करती थी प्रतिकूलता उनकी अपने लक्ष्य की परवाह थी उसको उसको नहीं छोड़ती थी तो ऐसे सभी महापुरुष और जब वो एक स्थिति पे उनको पता लग गया कि अब हमें कहीं खतरा नहीं है तब वो पूरे घूम घूम करके फिर प्रचार प्रसार करते हैं अपने धर्म का अपने जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसका तो जैसी जैसी हमारी पात्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे भगवान हमें साधन देते रहते हैं गुरु की आवश्यकता है तो वैसे गुरु मिल जाएंगे लेकिन ये करना खुद पड़ता है तो किसी भी प्रतिकूलता को देख करके हमारा पहला जो कदम होता है सामान्य रूप से वो क्या होता है किसी दूसरे को ढूंढना मंदिर जाएं माता पिता के पास जाएं मित्र के पास जाएं गुरु के पास जाएं तो हम उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ जो हला हल निकला उसको देवता असुर मनुष्य कोई भी फेस नहीं कर पा रहा है तो सीधे कहाँ पहुंचे शिव के पास पहुंचे क्योंकि उनके अंदर वो पावर नहीं है वो ताकत नहीं है कि वो उस विष को फेस कर सकें, उसको स्वीकार कर सकें, वो ताकत उनके पास नहीं है तो इसलिए वो पशुपति रुद्र के पास शंकर महादेव के पास पहुंचे देव एक ही व्यक्ति के अलग अलग विशेषण है यहाँ पर सभी देव महादेवम महादेव के माने अपने से महान जो देव है उसके पास पहुंचे समकरम जो शम करने वाला है शांति देने वाला है कल्याण करने वाला है उसके पास पहुंचे पशुपतिम क्योंकि भय अपने आप में एक पशुता है लोभ मोह क्रोध भय ये सब क्या है पशु हैं ये और इन सब का जो मालिक है उसके पास गई है पशुपति के पास रुद्रम जो इस पशुओं को मार सकता है क्योंकि उसके पास रुला देने वाली शक्ति है तो वो इस असुरत्व को रुला सकता है तो ऐसी शक्ति के पास गई अगर इस किसी दूसरे देव के पास जाए जिसके पास ये शक्तियां नहीं है तो फिर वो समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा तो उनकी स्तुति करते हुए इन्होंने कहा त्राही त्राही इति आप हमारी रक्षा कीजिए मुक्त ततो देवी देव देवेश्वर प्रभु प्रादुरासी से त्रैव शंख चक्र धरो हरी ही एवं उक्त ततः तो इस प्रकार से ऐसा उन देवों ने कहा कि आप मरी रक्षा कीजिए हे देव देव देवई देव देवों देव देव के भी देव देवेश्वर देवों के भी ईश्वर स्वामी प्रभु तो ये सब शिव के संबोधन है हे कल्याणकारी हे देवों के भी महादेव हे देवों के भी ईश्वर देवेश्वर प्रभु प्रादुरासीत तत अत्र हे प्रभु आप इस हला हल को पीने के लिए प्रकट हो जाइए तो ऐसे जब उन्होंने पुकारा तो वो वहां पर प्रादुरासी प्रादुर्भूत हो गई तो ये कितनी अच्छी बात है संसार में जिसको हम अपना रक्षक मानते हैं अपना बड़ा मानते हैं अपना आश्रय अपना आधार मानते हैं अपना प्रीति का पात्र मानते हैं वो व्यक्ति हर समय हमारे पास नहीं रह सकता है मानो आप गुरु से अनन्य प्रीति करते हैं पर जब आपको कोई दिक्कत आती है कष्ट आता है तो जरूरी नहीं है कि उस समय गुरु आपके पास हो और जरूरी नहीं है कि आपके बुलाने पर भी वो तुरंत प्रकट हो जाए पता नहीं गुरु को हजार काम है हरिद्वार में भी हैं कि नहीं उस समय और हैं तो भी उस समय किस मीटिंग में बिजी हैं पता नहीं आई ना आई तो वो हर समय हमारी साथ और ये तो बात होगी ब्रह्मचारियों की गुरु की ऐसे ही संसार में माता पिता भाई बहन जिसको हम अपना आश्रय मानते हैं जिसको हम अपना प्रीति का भाजन मानते हैं पिता पुत्र पति पत्नी वो सब हमेशा हमारे पास नहीं रहते हैं और वो वहां की जो प्रीति है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है चेंज होती रहती है क्यों होती है क्योंकि उसका स्वरूप ही वही है प्रकृति का स्वरूप क्या है जगत का स्वरूप क्या है हमेशा बदलते रहना गतिमान रहता है इसीलिए तो उसको जगत कहते हैं गति करता रहता है वो उसका स्वरूप ही वही है आप उसको किसी भी तरह से आप उसको रोक नहीं सकते हैं वो गतिमान है सारा जगत आपसे कोई कहे कि आपका बचपन आपका ही बचपन था एक बार ला के दिखाओ ना आप बचपन में कैसे थे एक बार बन के दिखाओ ना बन के दिखा दोगे कहा है बचपन गया तो उसको वापस ला सकते हो नहीं ला सकते हो क्यों नहीं ला सकते हो क्योंकि शरीर का स्वरूप ही ऐसा है गतिशील परिवर्तनशील है ये हर पल बदल रहा है ये आज जो आपका स्वरूप है ये दस साल के बाद रहने वाला है नहीं यौवन नहीं रहेगा फिर आपसे कोई पूछे आपका ही यौवन था आप ही वापस लाके दिखाओ ना नहीं ला सकते हैं आप तो ये संसार का नियम है यहाँ हर वस्तु बदल रही है तो जिससे आप प्रीति करते हैं जो आपसे आज जितनी प्रीति कर रहा है वो कल उतनी नहीं करेगा आपका बचपन भी तो आपसे प्रीति करता ही था ना लेकिन आज बचपन नहीं है बचपन गया आज आपका यौवन आपसे प्रीति कर रहा है आपका शरीर आपसे प्रीति कर रहा है लेकिन ये दस साल के बाद चला जाएगा फिर जो वृद्धावस्था आएगी उससे व्यक्ति प्रीति कर लेता है लेकिन एक दिन वो वृद्धावस्था भी चली जाती है जितने भी शरीर हैं, जिनके साथ भी संयोग हुआ है ये सौ प्रतिशत मान के चलो कि वो वियोग होना ही होना है ये ध्रुव सत्य है इसको बदला नहीं जा सकता आप लोग श्रद्धे स्वामी जी महाराज से मिले उससे पहले तो मिले हुए नहीं थे अभी आके मिले कोई दो साल पहले एक साल पहले छह महीना पहले पांच साल पहले दस साल पहले उससे पहले तो मिले हुए नहीं थे तो ये ध्रुव सत्य है कि एक दिन बिछुड़ भी जाएंगे बिछुड़ना ही है पक्का है ये आज जो आपके मित्र हैं वो दस साल पहले तो आपके मित्र नहीं थे तो जरूरी नहीं है कि अगले दस साल बाद वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे जिन गुरुजनों से आप पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो उससे पहले आपके साथ नहीं थे तो ये ध्रुव सत्य है कि वो आगे भी साथ नहीं रहेंगे जो पहले नहीं था जो बाद में नहीं रहेगा जो थोड़ी देर के लिए साथ है उसको नित्य कैसे मान सकते लेकिन आप जहां से भी आए ईश्वर तब भी आपके साथ था आज भी है सबके बिछुड़ जाने के बाद भी रहेगा सारे संसार के प्रलय होने के बाद भी रहेगा तो इसलिए वास्तव में प्रीति के योग्य कौन है ईश्वर और सेवा के योग्य संसार है फिर ये भ्रम हो जाता है कुछ लोगों को कि जब संसार प्रीति के योग्य नहीं है आश्रय लेने के योग्य नहीं है तो हम इससे संबंध क्यों रखें क्योंकि आपका शरीर भी इसी जगत का एक हिस्सा है एक पार्ट है ये शरीर भी आपका नहीं है ये बहुत बड़ा एक यूं कहें कि एक बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का शरीर अपना नहीं है जैसे ये सारा जगत अपना नहीं है बाहर वाला खेत आपका है क्या आलू के साइड में जो है और आलू वाला हमारा है आलू वाला भी आपका नहीं है गलत फहमी है अगला भी आपका नहीं है ये पूरी पृथ्वी भी आपकी नहीं है गुरुकुल भी आपका नहीं है आप थोड़ा सा गलत आचरण करो तुरंत बाहर निकाल देंगे गेट के अंदर नहीं घुसने देंगे आपको तो उस दिन आपको पता लगे अरे मैंने तो सोचा था मेरा गुरुकुल बोले नहीं आपका नहीं है आपकी तो वाल्मीकि आश्रम भी नहीं वहां भी नहीं रहने देंगे कहीं भी जाओ ये ध्रुव सत्य है ये पृथ्वी की कोई वस्तु हमारी नहीं है और पृथ्वी की नहीं तीन लोक की अनंत अनंत ब्रह्मांडों की जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी नहीं है वो और उसी में ये शरीर भी आता है ये शरीर भी हमारा नहीं है तो किसका है फिर ईशावादम सर्वम सब कुछ ईश्वर का है हमारा नहीं है हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है दो बात तो किसके लिए है सबके लिए है जैसे सारा संसार सबके लिए है तो वैसे सारे संसार में हमारा शरीर भी आ जाता है हमारा शरीर भी सबके लिए है पूरे विश्व के लिए है जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मत मानो तो फिर तो आनंद ही आनंद है और जो अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है उसको अपना मान लो फिर परेशानी परेशानी दुख ही दुख है फिर तो बात छोटी है लेकिन बात बड़ी गहरी है ये और जिस दिन ये समझ में आई कि अपना नहीं है तो ठीक है भाई जिस जिस का अधिकार है उस उसकी सेवा कर दो माता पिता ने जन्म दिया माता पिता का अधिकार है इस प्रकृति के अन्न जल फल फूल शाक सब्जी सब खा करके बड़ा हुआ सारी प्रकृति का भी अधिकार है ठीक उसकी सेवा में भी लगने दो जिन अध्यापकों ने गुरुजनों ने टीचर्स ने कुछ भी ज्ञान दिया कुछ बताया कुछ आश्रय दिया उनका भी अधिकार है तो ठीक है उनकी भी सेवा में लगा दो तो शरीर किसके लिए है सेवा के लिए है किसकी सेवा के लिए सबकी सेवा के लिए इसलिए शरीर को पूरा सेवा में लगा के रखो, जैसे श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने लगाया फिर आनंद ही आनंद है